पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर जब से संगीन आरोप लगाए हैं यौन शोषण के, बॉलीवुड में एक नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि उन्होंने खुले शब्दों में अनुराग कश्यप की बैंड बजा डाली, उनका काला चिट्ठा खोल दिया। अब अनुराग कश्यप पर लटक चुकी है गिरफ्तारी की तलवार। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने पूरा साथ देने का वादा किया है पायल घोष को। उन्होंने एक वीडियो जारी किया, वीडियो में क्या कुछ कहा हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि अनुराग कश्यप ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा। ट्वीट करके उन्होंने लिखा, क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में, चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया, थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप हैं बेबुनियाद हैं। अगला ट्वीट देखिए, या कोई भी प्रेमिका या वो बहुत सारी अभिनेत्रियां जिनके साथ मैंने काम किया है, या वो पूरी लड़कियों और औरतों की टीम जो हमेशा मेरे साथ काम करती आई हैं, या वो सारी औरतें जिनसे मैं मिला बस अकेले में या जनता के बीच, मैं इस तरह का व्यवहार ना तो कभी करता हूँ ना तो कभी किसी कीमत पे बर्दाश्त करता हूँ। बाकी जो भी होता है देखते हैं, आपके वीडियो में ही दिख जाता है कितना सच है कितना नहीं। बाकी आपको बस दुआ और प्यार, आपकी अंग्रेजी का जवाब हिंदी में देने के लिए माफी। आगे लिखते हैं, अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, यह बस शुरुआत है, बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोल और चुप हो जा, ये भी पता है कि पता नहीं कहां कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं, इंतजार हैं। अब इसके जवाब में महिला आयोग ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए, रेखा शर्मा का बयान आया है। कल रात को मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें पायल घोष ने अलेज किया था कि 2015 में अनुराग कश्यप ने उनको सेक्सुअली हैरेस किया। ये एक चौंकाने वाली बात है, और हम मैंने उनको ट्वीट बैक किया था कि अगर आप कंप्लेंट करना चाहें तो आप डिटेल्ड कंप्लेंट मुझे अपनी भेजें, उस पर हम कार्रवाई करेंगे, हम पुलिस को भी लिखेंगे और उनके साथ हम खड़े हैं, और जब तक जांच होगी और जब तक ये कोर्ट में केस पहुंचेगा तब तक मैं पायल घोष को कहना चाहूंगी कि राष्ट्र महिला आयोग उनके साथ खड़ा है। रेखा शर्मा का कहना है कि वो अनुराग कश्यप के इस मामले को पुलिस तक लेके जाएंगे, और बहुत मुमकिन है कि अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि अगर वो सबूत पेश करेंगी और अगर उनकी शिकायत वाकई सच्ची है तो अनुराग कश्यप का बचना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जो आरोप लगाए हैं पायल घोष ने वो वाकई बहुत संगीन है, और उन्होंने कई हीरोइंस का नाम लिया था, हमने अपने लाइव सेशन में उन हीरोइंस के नाम भी बताए थे जिनके बारे में अनुराग कश्यप कहते हैं कि ये सभी हीरोइंस मेरे साथ सो चुकी हैं, इनको मैं जब चाहूं बुला सकता हूं। ये सारी बातें पायल घोष ने अपने एक वीडियो में जारी करके कही थी, तो साफ है अनुराग कश्यप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि ये आरोप छोटे मोटे नहीं, यौन शोषण के हैं।